आग लगाने का आपकी बार, पिछली बार क्या बोला, अब क्या जीतने की बारी, देखते कौन रोकेगा। तो मैं आपको बता, मैं गोल्ड मेडल जीत गया। हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि फिटनेस का सारा अपडेट सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सिंह फिटनेस रहा पे मिलेगा। तो मैं मनीष सिंह एंड आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस रहा। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया, तो फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है वो है सुनील यादव की तरफ से। तो उन्होंने अपना रिसेंटली एक अपडेट शेयर करा एंड आप लोग देख सकते हो, ये इनका करंट फिजिक अपडेट है। फिजिक की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फिजिक की बात करेंगे तो फिजिक तो देखो बहुत इंप्रेसिव लग रहा है। चेस्ट में देख सकते हो फाइबर ऑन द पॉइंट लग रहा, शोल्डर में राउंडनेस दिख रहा एंड आप देख सकते हो फाइबर हमारा शोल्डर में भी दिख रहा, आर्म्स देख सकते हो अच्छा खासा, मतलब ओवरऑल कंडीशनिंग बहुत अच्छा दिख रहा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा साइज का थोड़ा मसल मास, यदि इनके फ्रेम में और अच्छा रहता होता तो ओलंपिया स्टेज पे ये और अच्छे दिखते हैं। और आजकल जैसा कि इन्होंने कैप्शन में लिख रहे लाइक डन फॉर द डे और मतलब बॉडी का शाइन दे रहे लाइक, मतलब ये कोई अपकमिंग शो में कॉम्पीट करने वाली है। यदि मैं भी हो सके रोमेनियो प्रो में भी कॉम्पीट कर सकते, जिसमें एंड्री ड्यू भी कॉम्पीट करने वाले, खैर वो क्लासिक डिवीजन में कॉम्पीट करेंगे। बट गाइस देखते हैं क्या होता है। बाय द वे ये कंडीशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है रोहित खत्री की तरफ से। तो वन मोस्ट टाइम उन्होंने सभी को चैलेंज करा एंड आप एक वीडियो देखना, उन्होंने वीडियो शेयर करा जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना प्रेप स्टार्ट कर दिया और सभी बॉडी बिल्डर को चैलेंज कर रहे कि इस बार वो जीतने के लिए आ रहे हैं मैच्योर सो प्रो से रू क्लासिक व्हाटएवर जो भी है। तो आप इस वीडियो को देखना है, रोहित खत्री के बारे में आप लोग एक लाइन जरूर लिखना कि आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हो। भाइयों देवन है प्रेप का सर के साथ आग लगाने का आपकी बार, पिछली बार क्या बोला था स्टेज पे भी नहीं चढ़ने देंगे। तो अपना ही में आया था पहले शो में अमेचर ओलंपिया में, फिर शेरू क्लासिक में सेम, अब क्या जीतने की बारी, देखते कौन रोकेगा। आ जाना सारे, क्या बोलते हैं इसको, जीतेगा तुम्हारा भाई, ठीक है याद रखना। ठीक है सर, क्या करें अब। हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है अरविंद अस्पताल का सदस्य। देख सकते हो अपना उन्होंने रिसेंटली एक पोजिंग रूटीन शेयर करा एंड इसमें आप देख सकते हो कंडीशनिंग बहुत अच्छा दिख रहा है गाइस एंड रियली बताऊं ऑन द स्टेज से बढ़िया इस टाइम लग रहा है। इस टाइम इनका बॉडी में थोड़ा हार्डनेस भी दिख रहा और ऑन द स्टेज थोड़ा सा बॉडी में फ्लो नहीं दिख रहा था, बट एट दिस टाइम बहुत अच्छा इनका देख सकते हो, लेग में सेपरेशन, क्वाड्स में देख सकते हो, हैम्स देख सकते हो, एवरीथिंग लाइक ऑन द पॉइंट लग रहा, आर्म्स का भी साइज देख सकते हो अच्छा खासा इसमें दिख रहा है, मैसिव लुक। और जैसा कि इन्होंने कैप्शन में लिखा था कि इफ़ यू वांट टू सक्सेस फोकस ऑन चेंजिंग योरसेल्फ, और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि पहले ये मैथ्स फिजिक में कॉम्पीट करते थे बट इनको एक बार जज ने डिस्क्वालीफाई करा, नाउ इट्स अब ये कॉम्पीट करते हैं जो वो बॉडी बिल्डिंग में करते हैं और इस बार इनका ब्रॉन्ज मेडल भी लगा था गाइस। तो आप लोग इस कंडीशन को देखकर आप लोगों को क्या लगता है कि इन अपकमिंग टाइम क्या इनको प्रो कार्ड मिलेगा या फिर नहीं, जो भी सोचते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है वो है पंकज गजवानी की तरफ से। तो देख सकते हो ये इनका करंट कंडीशन है और जैसा कि मेरे को लग रहा कि ये बहुत एक तगड़ा ऑफ सीजन लेने वाले हैं 6-7 महीने के, जिसमें अपने फ्रेम में अच्छा खासा 5-6 kg मसल मास पुट ऑन करेंगे। तो इनका कहीं ना कहीं जो लुक आएगा, जो अपकमिंग वाला लुक आएगा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लुक आने वाला है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, पंकज गजवानी एक ऐसे एथलीट्स हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट भी करने आता, उसके साथ साथ जो इनके बॉडी में हार्डनेस और शार्पनेस दिखता है बहुत ही अमेजिंग, बहुत मैसेसिव लुक लगता है। तो गाइस आप लोग क्या सोचते हो पंकज गजवानी के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है मीमो इब्राज की तरफ से। तो देख सकते हो ये इनका करंट कंडीशन है, कंडीशन की बात करें तो कंडीशन तो बढ़िया लग रहा, ठीक ठाक लग रहा, लेकिन कहीं ना कहीं साइज अगेन वन मोस्ट टाइम इसमें बहुत ही कम लग रहा गाइस। तो आप लोग को क्या लगता है इनको इस बार साइज पे फोकस करना चाहिए? मेरे अनुसार तो बोला जाए तो इनको एक साल का ऑफ लेना चाहिए, जिस तरीके से भुवन चौहान ने देख सकते हो आप लोग उनका जो कंडीशनिंग था इस बार कितना टॉप नॉच लेवल का था। तो कहीं ना कहीं इनको भी एक अच्छा ऑफ सीजन लेंगे तो अपने बैक में अच्छा खासा डेंसिटी मसल मास पुट ऑन करेंगे अपने फ्रेम में, उसके बाद यदि उनका कंडीशन लेकर आते हैं। देखो बहुत सारे गाइस कैसा होता है ना कि जब साइज बढ़ाने के बाद वो कंडीशनिंग वैसे नहीं लेकर आ पाते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको अच्छे तरीके से पिक भी हिट करना पड़ेगा और यदि विथ साइज यदि आ गए उन कंडीशन तो ये बहुत अच्छा करने वाले हैं इन अपकमिंग टाइम गाइस। तो आप लोग इस फिजिक को देखकर आप लोग को क्या लगता है कॉमेंट करना ना भूलें। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है तरुण गिल की तरफ से। तो उन्होंने कुछ अगेन बोला है कि माइंड से काम करना चाहिए, पैसे पलाना ढमकाना जो भी है, तो आप इस वीडियो को देखना, तरुण गिल के बारे में आप लोग एक लाइन जरूर लिखना। मैन आई फाइंड इट सो फनी, लोग मुझे कहते हैं यार कि मैं गोल्ड मेडल जीत गया, मैं सिल्वर मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता बॉडी बिल्डिंग में। माई क्वेश्चन टू यू इज वेरी सिंपल, आपको पता है बॉडी बिल्डिंग जो है ना एक प्राइवेट स्पोर्ट है, वर्ल्ड में बहुत कन्फ्यूजन है कि भाई ये स्पोर्ट है, आर्ट है या पैजेंट है। तो माई क्वेश्चन टू यू इज एवरी वन, जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, रिक्वेस्ट है कि भाई साहब
अगर आप गोल्ड मेडल जीते हो, कोई भी मेडल जीते हो, उसके बाद आपकी लाइफ कैसे बदली है? डिड यू गेट मोर स्पॉन्सर्स? डिड यू स्टार्ट मेक मोर मनी? कैसे बदली? अगर बदली है, गुड फॉर यू। अगर आप पहले जैसे ही हो, जैसे पहले थे और अब भी वैसे ही हो, मेडल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, टाइम फॉर हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है निक बॉकर की तरफ से। तो रियली बताओ, निक बॉकर ने तो कमाल ही कर रखा, डेली एक अपडेट वो देखते हैं, अपना पूरा करंट फिजिक अपडेट देते हैं, देख सकते हो। कंडीशनिंग रियली बताओ ऑन द लाइक पॉइंट लग रहा, और इस बार तो अब जाकर इनका जो क्वाड सेक्शन देख सकते हो, इनर थाई देख सकते हो, बहुत ही मैसिव लुक लग रहा, और शोल्डर में जो राउंडनेस वैली दिख रहा, उसमें जो कंडीशनिंग दिख रहा बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, और एब्डोमिनल एरिया भी बहुत तगड़ा दिख रहा, लेट्स भी देख सकते हो। देखो कहीं ना कहीं ऑन द स्टेज एथलीट थोड़ा और कुछ अलग दिखता है, और फोटो में कुछ और लाइटनिंग वगैरह का कमाल होता है, बट फिर भी होप करेंगे कि इस बार ये टक्कर जरूर बिग रैमी की देंगे। बट गाइज, आप लोग को इस कंडीशन को देखकर आप लोग को क्या लगता है कि ये इस बार टक्कर दे पाएंगे बिग रैमी को या फिर नहीं, क्या टॉप थ्री क्रैक कर पाएंगे या नहीं, जो भी सोचते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है ब्रियोन की तरफ से। तो मैं पहले बता दूं कि क्लासिक फिजिक में कॉम्पीट करते हैं, बहुत तगड़ा एथलीट्स हैं ये। खैर देखो, लास्ट टाइम भी देखो इनका प्लेसिंग उस अनुसार नहीं आया जिस अनुसार इन्होंने वॉक करा था, बट इट्स ऑल राइट गाइज, इस बार देखते हैं कितना वायदा पे। इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो इस बार इनका थोड़ा बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि इनका बॉडी में अभी से बहुत ही ज़्यादा, जो कि अभी 6 वीक आउट है ऑलमोस्ट, तो अभी से बॉडी में बहुत हार्डनेस भी दिख रहा, उसके साथ साथ कंडीशनिंग ऑन द पॉइंट देख सकते हो, हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स बहुत सेपरेशन अच्छा खासा दिख रहा, पोजिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे गाइज, जिस तरीके से देखो बॉडी होता है उस अनुसार पोजिंग करके खुद को शो करना, रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, तो जो कि ब्रियोन को बहुत अच्छे तरीके से पोजिंग करते हैं। लेट्स सी गाइस क्या होता है। बाय द वे, इस फिजिक को देखकर आप लोग क्या क्या लगता है कि शिवम को बीट कर पाएंगे या फिर व्हाटएवर, जो भी सोचते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जो हमारा अपडेट है गाइस वो है गुरुमान की तरफ से। तो मैं बता दूं कि गुरुमान का उनका एक मूवी आने वाला है, ड्रीम बिग, एंड लेट्स सी गाइस, उनका जो ट्रेलर वगैरह है, पोस्टर जो है वो आउट हो चुका है, एंड ये इनका पोस्टर है। तो हम सभी लोग ऑल द बेस्ट टू गुरुमान, जरूर आप लोग लिखना, एंड क्या इस मूवी को लाइक आप लोग देखने जाओगे, जो भी है आप लोग कमेंट करके बताना। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है जॉन अब्राहम की तरफ से। देखो वैसे ये भी एक बहुत फिटनेस इंडस्ट्री का एक हिस्सा समझ लो, बहुत अच्छे तरीके से लाइक इनका आप देख सकते हो बॉडी का ओवरऑल बहुत मेंटेनेंस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और ये इन्होंने अपना एक करंट कंडीशन शेयर करा, एंड आप लोग देख सकते हो कंडीशनिंग रियली बताऊं ऐसा नहीं लग रहा है कोई मतलब अनदर जैसे लग रहा है कोई एथलीट्स टाइप का, आप देख सकते हो एब्डोमिनल एरिया पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से विजिबल दिख रहा, चेस्ट में देख सकते हो अच्छा खासा मसल मास साइज भी दिख रहा, तो इस एज में इतना टॉप नोच लेवल कंडीशन लेकर चल रहे, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। बाय द वे गाइस, आप लोगों को क्या लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। तो गाइस आज का जो आखिरी अपडेट है वो हर वीडियो की तरह गुरुजी मुकेश गहलोत की तरफ से मैं लेकर आया, तो आप वीडियो को देखना है, गुरुजी के बारे में प्लीज आप लोग एक लाइन जरूर। दोस्तों अगर आपका अपर चेस्ट वीक है, पूरा फुल नहीं है, आपको स्टेज फेस करने के बाद पता लगता है मेरी वीकनेसेस क्या हैं। अपर चेस्ट के लिए आज बात करते हैं, एक एक करके सभी बॉडी पार्ट्स में करेंगे। अपर चेस्ट वीक आपका या तो अपनी जो भी आपकी ट्रेनिंग है उसमें वॉल्यूम बढ़ा दें अपर चेस्ट की एक्सरसाइज का, जैसे इंक्लाइन बारबेल प्रेस करते हैं आप 4 सेट तो उसके 6 सेट कर सकते हैं, या फिर अपने प्रोग्राम में उसकी 2 या 3 एक्सरसाइज आप करें, अपने आप ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने वीक पॉइंट को अपने प्रोग्राम में सबसे पहले हिट करें, आप इंक्लाइन से ही शुरू करें, बेस्ट है, आप लोड ज़्यादा ले पाएंगे और इसको जल्दी ग्रो कर पाएंगे। जैसे इंक्लाइन पे अगर मैं बात करूँ, वीडियो में दिखाया भी है इंक्लाइन बारबेल प्रेस, फिर डंबल फ्लाइज इंक्लाइन पे या तो या क्रॉस केबल, उसके बाद डंबल प्रेस। डंबल बारबेल प्रेस और डंबल प्रेस के बीच में फ्लाइज इसलिए है क्योंकि आपके ट्राइसेप को बीच में रेस्ट मिल जाएगा, वो गिव अप नहीं करेगा और चेस्ट पे आपकी एक्टिव रहेगी। तो ये तीनों एक्सरसाइज आप ऐड करेंगे अपने रूटीन में ऑफ सीजन में, तो आप अपर चेस्ट को पूरा डेवलप कर पाएंगे। आप जब कट करके स्टेज पे आएंगे तो फुलनेस नज़र आएगी स्टेज पे। एक एक करके सभी बॉडी पार्ट से बात करें, कल बात करते हैं शोल्डर्स पे आपके वीक पॉइंट क्या होता है खासतौर से। थैंक यू आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो सपोर्ट करना, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जस्ट सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कॉमेंट कर दो, इट्स ऑल राइट गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।